हिमाचल में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस मौके पर बयान, राज्यसभा के चुनाव में पार्टी को सीट खोने का अफसोस है। हुड्डा ने कहा, पार्टी विधायकों से बात की गई है, आपस में एक सहमति बनी है, एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, 6 मेंबर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, हम शराफत में ज्यादा रखे, ये सीएम सुक्खू ने इस मौके पर कहा। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, मेरी अपनी भी कमी रखी है, सीएम सुक्खू ने कहा। राज्यसभा चुनाव में जो भी घटनाक्रम हुआ है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है, ये हुड्डा की तरफ से भी बताया गया। राज्यसभा चुनाव ना जीतने का दुख है, प्रतिभा सिंह ने कहा कि अगली चुनौती लोकसभा चुनाव, प्रतिभा सिंह ने कहा चारों सीटों में जीत दर्ज करेंगे, प्रतिभा सिंह का कहना। सभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है, और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। जी, आपको नहीं लगता ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि देखिए कहीं ना कहीं हमारा ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम शराफत में ज्यादा रहे, और सबने सबसे पहले बता दिया जो वहाँ हुआ है और जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ले ली, और ये राज्यसभा का इलेक्शन में महामारी मेरी अपनी भी कमी रही पर इंटेलिजेंस की भी कमी रही इसमें। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। आपने जो इश्यूज रेज किए थे, आपने इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमान के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि वो ये आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं, हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। मैम, इसके लिए आप सेटिस्फाई हो कमेटी एंड Do you think your issues would be addressed after this? अभी तो वो कमेटी, इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी, जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी, और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उस पर। हिमाचल में 6 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, और कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, हमने पहले भी कहा था कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना चाहिए लेकिन पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी को तवज्जो दी नहीं गई थी, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत पड़ गई है, कमेटी सरकार और संगठन में तालमेल का काम करेगी। क्या वो इसलिए बनाने की बात की है क्योंकि जो मैंने डे वन में कहा था, मैं शुरू में भी यही कह रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में और सरकार में, इन्होंने उसकी तवज्जो ही नहीं ली, बल्कि मैंने नाम भी दिया इनको कि मैंने कहा इनको लगा दो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी करेंगे सरकार में और पार्टी में, तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, आज उसी की जरूरत पड़ गई ना, तो अब ये कह रहे हैं कि हम हाईकमांड इसको डिक्लेयर करेगा, लेट अस सी किसको लगाते हैं फिर उनके थ्रू हम कोऑर्डिनेट करेंगे। हमने तो नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हम बताएंगे फिर क्या बोलते हैं सीएम किसका नाम देते हैं, दैट इज येट टू बी सी। कमेटी का काम क्या है, कमेटी ने ये प्रॉब्लम थोड़ा नहीं सॉल्व करनी है, कमेटी ने तो ओनली कोऑर्डिनेशन बिठवानी है बिटवीन सीएम एंड पार्टी ऑफिस, गवर्नमेंट एंड पार्टी ऑफिस, इतना सा काम है उनका कि कोई हमारी ग्रीवेंस है तो गवर्नमेंट को बताए, गवर्नमेंट ने कुछ कन्वे करना तो हमारे को बात बताए, इतनी सी बात है बस, और क्या बड़ी लंबी चौड़ी बात तो है ही नहीं, 5 आदमी की कमेटी बननी है।